दोस्तों नमस्कार, मैं एक महाराष्ट्रन हूँ और मुझे आज ज़्यादा बहुत दुख हो रहा है कि हिंदुस्तान से और वर्ल्ड के हर कोने से लोग यहाँ पे महाराष्ट्र में आते हैं एक्टर बनने के लिए, और उनके जो सपने हैं वो महाराष्ट्र में पूरे होते हैं बिकॉज ऑफ मराठियों की वजह से। मराठी है, महाराष्ट्रन लोग हैं तब महाराष्ट्र है, मुंबई है, ये बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे स्टार बन जाते हैं। मतलब जिस थाली में खाते हैं उस थाली में थूकते हैं, मतलब गद्दारी करते हैं अपनी कर्म भूमि से। अपनी ये जन्म भूमि को बहुत प्यार करते हैं लेकिन कर्म भूमि मुंबई को गालियां देते हैं। क्यों? यहाँ पर स्टार्स बनते हैं। अगर स्टार्स कोई यहाँ पे आत्महत्या कर लेता है, सालों से आत्महत्या करते आ रहे स्टार्स लोग, तो इसमें महाराष्ट्र मुंबई कहाँ से कसूरवार हुआ? दोस्तों मैं आप सबसे जवाब मांगती हूँ। और कंगना, अब तुम्हारा असली चेहरा देखो। तुम जब बॉलीवुड में आई, मैं भी आई थी, तुम्हारा सिर्फ एक ही नेचर है। जब तुमको कोई सुनता नहीं तो तुम बड़बड़ पड़बड़ करने लगती हो, ठीक है, सबकी बुराइयां करने लगती हो। बॉलीवुड ने तुमको दिया, तुम्हारा ये गंदा नेचर है कि तुम शादीशुदा आदमियों की जिंदगी में जाती हो, चाहे ऋतिक रोशन हो, चाहे आदित्य पंचोली हो, चाहे एक्स वाई जेड हजारों आदमी तुम्हारी जिंदगी में आ गए, ठीक है, सब शादीशुदा आदमी की जिंदगी में तुम जाके उनका घर बर्बाद करती हो और फिर करते हो इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरी ली, इसने मुझे पेला, ठीक है। तुम्हारा गंदा नेचर है। आज तुम जो लटक रही हो ना बीच में, सब तुम्हें बॉलीवुड के सारे हीरो, सारे डायरेक्टर, सारे प्रोड्यूसर तुमको पेला है बुरी तरह से, समझ गई? 100 चूहे खाके बिल्ली हज को चली। तो महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश मत करो, सुशांत की मौत का फायदा उठाकर पब्लिसिटी पाने की कोशिश मत करो। तो कंगना रनावत की असलियत में बताती हूँ, लोमड़ी के हाथ में अंगूर नहीं मिले तो बोलते खट्टे हैं। इसने सलमान खान को बहुत पटाने की कोशिश की, सलमान खान ने इसको धकेला, चला गंदी चला। बड़े बड़े स्टार्स हैं, इसने उसकी जिंदगियों में जाने की कोशिश करी, बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स हैं, नाम नहीं लेना चाहती। इसको भगाया हट, तो ये लोमड़ी को अंगूर खट्टे लगे, यार समझ रहे हो। और अभी अपने घर में उधर पता नहीं कहां बैठ बैठ के हमारे स्टारों की बुराइयां करती है। मैं मानती हूं कि सुशांत के लिए मुझे बहुत दुख है, वो मेरा भी दोस्त है, ठीक है, बट इसके हर आप बात देश की जनता इसकी सारी बात आप मानो ये गलत है। ये मत भूलो कि महाराष्ट्र जय है और महाराष्ट्र में यहां पे सबके सपने पूरे होते हैं जो वर्ल्ड से लोग आते हैं। फिल्म नगरी, आई लव माय कर्मभूमि, माय जन्मभूमि, एंड आई प्राउड ऑफ अम महाराष्ट्र, आई रियली प्राउड ऑफ शिवाजी महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर जी, जितने भी लोग हैं शिवसेना में। मैं बहुत खुश हूं कि हमारे मुंबई में महाराष्ट्र की सरकार आई है, बाला साहब ठाकरे की सरकार आई है। बाला साहब ठाकरे जिंदाबाद, उद्धव ठाकरे जी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। मैं बहुत खुश हूं और यहां पर रहना है, काम करो, अपने सपनों को पूरा करो, और ये चुतियागिरी मुंह बड़बड़ बड़बड़ मत करो, महाराष्ट्रनों के खिलाफ मत बोलो, वरना मराठी लोगों को तुम लोगों ने बहुत नीचे दिखाया है, हैं? मेहनत करवाइए, आज महाराष्ट्र सरकार की वजह से मराठी लोग कुछ बने हैं। तुम लोग अपना काम करो और निकलो, गेट आउट फ्रॉम आवर सिटी, बकवास मत करो। यहाँ पे अमिताभ बच्चन लेजेंड कभी कुछ बोलते नहीं है, तेरी इतनी औकात नहीं है कंगना रनावत। कंगना रनावत, अगर तूने थोड़ा भी नौटंकी करी तेरे शहर में बैठ के तू बड़बड़ कर, सुशांत के लिए तूने स्टेप लिया या अच्छी बात है, मराठियों के लिए कुछ बोलेगी तो एक एक मराठी से पंगा लेगी तो तेरे को महाराष्ट्र में रहना मुश्किल हो जाएगा, महाराष्ट्र में शूटिंग करना मुश्किल हो जाएगा। और जहां से तेरे सपने पूरे होते हैं, तू स्टार बनी है, आज तेरा नाम जान पहचान है मुंबई की वजह से है, फिल्म इंडस्ट्री की वजह से है। सबको गालियां दे तू, बड़े बड़े सलमान इन सबको गालियां देती है, तो क्या समझते अपने आप को, क्या समझते अपने आप को, ये कौन सी झांसी की रानी है? भवानी है तू, भवानी, भवानी हमारे महाराष्ट्र में लोगों को पूछ, भवानी क्या होता है? आ गए भवानी, आ गया आमच डोको फिर लेना, आत्ता माजी सटकली तर तू गेली, समझ भवानी, मुंबई येणार ना तुला दोप।
कहती है कंगना के मुंबई में मैं आऊंगी, कोई रोक सको तो रोक लो और ठोक सको तो ठोक लो। तो भैया तुम शिवसेना के खिलाफ बोलोगी, हमारी सरकार है, हमारी सरकार शिवसेना बीजेपी के खिलाफ बोलोगी तो भैया ठोकेंगे जरूर, डेफिनेटली ठोकेंगे, बारी बारी ठोकेंगे। चेतावनी है कंगना, तू कहीं की भी हो, महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र लोगों के खिलाफ बोलेगी तो तू ठुकेगी, और बहुत ज्यादा ठुकेगी। इज्जत से आ इधर, काम कर, स्टार बन और निकल अपने शहर, समझी। महाराष्ट्र में आके चुतियागिरी मत करना, वरना इधर तुझे सब पेलेंगे। महाराष्ट्र को तालिबान मत बना, गलत मत बोल। महाराष्ट्र को कंगना रनावत, जिनका खाकर हमारी कर्म भूमि महाराष्ट्र, मुंबई, मराठी लोग, फिल्म इंडस्ट्री, तुम सक्सेस हीरोइन बनी हो, तुम मतलब मुंबई की तुलना पीओके से कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम यहां पर आई, यहां पे तुम्हारी कर्म भूमि, तुम यहां से स्टार बनी, पता नहीं कहां सड़ रही थी, कहां जन्म लिया हमें नहीं पता, बट तुम यहां पर आकर मुंबई वालों को, तुम शिवसेना को, बीजेपी को गालियां दे रही हो, मुंबई के स्टारों को गाली दे रही हो और मुंबई को बुरा बोल रही हो, यहां का खाती हो और यहां पे बुरा बोलती हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें चिल्लू भर पानी में डूब के कहीं चले जाना चाहिए। तुम्हें लगता है कि तुम झांसी की रानी हो, तुम कहीं झांसी की रानी, एक फिल्म करने से झांसी की रानी नहीं हो जाती हो। तुम महाराष्ट्र लोगों से जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय शिवसेना, जय मुंबई, जय बीजेपी, जय भीम, सब मराठियों को सैल्यूट करती हूँ, पूरे हिंदुस्तान को सैल्यूट करती हूँ, जय भारत और जय मनुष्य तत्व, बिंग ह्यूमन बीइंग, इंसान बनो, सिटीज को, कंट्रीज को मत बांटो, मुंबई के लिए बुरा मत बोलो, वरना धोपटून टाकेल मी, तुला धोपटनार कंगा, कंगा का कंगना, आत्ता माझी सटकली। ए पहाड़ान, ए पहाड़ान, मुंबई के खिलाफ, शिवसेना के खिलाफ और हमारे लोगों के खिलाफ बोली तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, जहां से आई वहीं पहुंचा देंगे, समझी, चुप रह।